जय गुरुदेव महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सु सर्वदा इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सुंड वाले विशाल शरीर करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे हेलो एवरीवन जय शारदी माँ बच्चों कैसे हैं आप सब सभी अच्छे हैं देखो बच्चों ये हमारा परिवेश वाली बुक का चैप्टर नंबर दो मीठा पहाड़ ये हमारी उसकी एक्सरसाइज है ठीक है आज हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे मौखिक प्रश्न लिखित प्रश्न नए शब्द और ये जो पीछे हमारी नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज है आज हम सब कुछ अपनी कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को ठीक है ओके तो इसको कंप्लीट तब करेंगे पहले हम अपनी प्रेयर यानी कि इस श्लोक इसे बोलेंगे तो सभी बच्चे क्लोज और आइज योर हैंड्स, नाउ स्टार्ट कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ कदाचन माँ कर्म फल हेतु घूर्मा ते संगण अस्तत् कर्मणी ओपन योराइज बच्चो कैसे हैं आप सब आई थिंक सभी अच्छे होंगे देखो बच्चों सबसे पहले हमें अपनी नोटबुक नंबर फोर में ये नए शब्द लिखने हैं ठीक एक बार उसके बाद है हमारे देखो नीचे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ये मौखिक हैं और ये लिखित हैं आपको दोनों ही अपनी नोटबुक में लिखने हैं परिवेश में मौखिक एवं लिखित दोनों ही आपको नोटबुक में लिखने हैं ओके देखो मौखिक है कवाला पहले देखो हम इसका ये देखें नए शब्द परिश्रमी परिश्रमी का क्या मतलब होता है मेहनती झगड़ा लड़ाई पंक्ति लाइन या कतार शीघ्र जल्दी ठहाका जोर की हंसी फिक चिंता ये हमको ऐसा ये लिखने नहीं है वर्ड श्रोत लेख है परिश्रमी चीटियां बिल्लियाँ फिक्र बाटकर सूंघा पंक्ति शीघ्र पहाड़ बर्फ़ी दावत फौरन अब देखो आपको कौन सा वर्क करना है मौखिक एवं लिखित और नैशत ये आपको अपनी नोटबुक नंबर फोर में लिखनी है यानी कि हिंदी की नोटबुक में परवेश कौ वाला है रानी चींटी कहाँ रहती थी आपको लिखना है एक बिल में खवाला है बिल्लियों की रोटी कौन छीनकर ले गया बंदर गवाला है रानी चिंटी कैसी थी परिश्रमी यानी मेहनती आगे है लिखित दोनों बिल्लियां क्यों लड़ रही थीं तो क्यों लड़ रही थी आपने स्टोरी पढ़ी है ना दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी खवाला रास्ते में रानी चींटी को क्या मिला तो आपको लिखना है रास्ते में रानी चींटी को एक बर्फी का टुकड़ा मिला और नेक्स्ट पेज खोलेंगे सभी बच्चे नेक्स्ट पेज गवाला देखेंगे रानी चींटी बहुत सी चीटियों को क्यों बुला लाई तो आपको लिखना है क्योंकि रानी चींटी ने बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए जोर लगाया लगाया आएगा इसमें जोर लगाया पर वह उससे हिला नहीं इसलिए वह बहुत चीटियों को बुला लाई और घेवाला घ देखेंगे रानी चीटी ने बिल्लियों से क्या कहा रानी चीटी ने बिल्लियों से कहा कि लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता मिल बांटकर कर रोटी खा लो अब नीचे है देखो सेकंड वाला टू नंबर देखेंगे किसने कहा रेखा खींचकर बताइए क वाला है कौन कौन खाएगा इस बर्फी को किसने कहा था काली बिल्ली ने काली बिल्ली ने चींटी को ताने दिए थे ना हंस रही थी उसे देखकर खवाला तुम्हारे कहने से क्या होता है इसने रानी चींटी से बोला था आप जाओ यहाँ से ये थी भूरी बिल्ली गवाला है आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे रानी चींटी ने बहुत चीटियों से देखो अब ये है भाषा की बात नंबर एक बोलिए और सही विलोम शब्द पर राइट लगाइए बाहर का विलोम शब्द क्या होगा अंदर बंदर सामने तो राइट का बाहर का क्या है अंदर आगे आगे का क्या आएगा नीचे पीछे ऊपर तो आगे का पीछे या धीरे धीरे का क्या आएगा तेज ऊपर नीचे तो धीरे का तेज हंसना हंसना का जाना रोना आना तो हंसना का रोना अब यह है नीचे नंबर टू शब्दों को पढ़िए और लिखिए ले प्लस अण आ प्लस ई क्या बन हैं लड़ाई अब यहाँ क्या है आपको लिखना है बे रे ई बर्फी पे है आ पहाड़ टू कड़ा टुकड़ा दावत, दावत। आ प आपस ऐसे आपको लिखना है वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें से आप देख लिख सकते हो लेकिन वर्क सभी का कम्प्लीट होना चाहिए ओके नेक्स्ट पेज नंबर खोलेंगे सभी बच्चे नंबर थ्री है रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए और वाक्य बोलिए देखो ये बंदर है तो इसका वाक्य है रोटी छीनकर ले गया रोटी छीनकर कौन ले गया था बंदर को एक बर्फ़ी का टुकड़ा मिला किसको मिला था बर्फी का टुकड़ा चींटी को ने सिर झुका लिया बिल्लियों ने सिर झुका लिया नंबर फोर देखेंगे पढ़िए समझिए और लिखिए चींटी चींटी का और ये है ये एक है तो चींटी और ये एक से ज्यादा है तो चींटियां ये एक बिल्ली है ये तीन बिल्ली हैं यानी एक से ज्यादा तो क्या बोलेंगे इसे बिल्लियां ये एक रोटी है ये तीन रोटी हैं तो रोटियाँ ये एक रानी है ये दो चार रानी है तो क्या बोलेंगे रानियाँ ओके नेक्स्ट पेज नंबर खोलेंगे नंबर टू देखेंगे इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है रेखा खींचकर मिलाइए और वाक्य बोलिए देखिए ये पहाड़ है पहाड़ कैसा होता है बलशाली वनना पहाड़ पत्थर जैसा होता है बहुत बलशाली होता है यह आपको शिक्षा देता है कि मेरी तरह बनो बलशाली बनो स्ट्रांग बनो ये फूल है फूल हमें संदेश देता है शिक्षा देता है कि सदा हंसते रहो यानी मुस्कुराते रहो सूरज सूरज हमें क्या शिक्षा देता है अंधकार को दूर करो हमें कभी भी अंधेरे में नहीं रहना है एकदम आसमान में जैसे सूर चांद दिखाई दे, दिखा देते हैं ऐसे ही आप अपने घर में उजाला बन कर रहो ये पेड़ है पेड़ दूसरों की भलाई करता है यानी कि छाया देता है ऑक्सीजन देता है तो ये हमें शिक्षा देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पेज नंबर देखेंगे सभी बच्चे देखो चिंटी ने बर्फी के टुकड़ों टुकड़े को सूंग कर पहचाना कि उसे मीठा पहाड़ मिल गया है अब आप इन्हें कैसे पहचानेंगे देखो ये कुछ चीजें हैं और कैसे पहचानोगे और किससे पहचानोगे आपको यहां लिखना है बुक में ये बर्फ की ठंडक तो बर्फ की ठंडक कैसे पता चलती है छूकर त्वचा से यानी कि स्किन से यानी हम टच करते हैं तब हमको पता चलता है फूल की गंध किससे पता चलती है जो फूल की महक होती है किससे पता चलती है सूंग कर कैसे पता चलेगी सूंग कर और किससे नाक से चॉकलेट का स्वाद कैसे पहचानेंगे खाकर यानी जीभ से पतंग के रंग का पतंग के रंग को हम कैसे पहचानेंगे देखो ऊपर से एक बार और देखेंगे हम बर्फ़ की ठंडक कैसे पहचानेंगे छूकर यानी त्वचा से फूल की गंध यानी महक को कैसे पहचानेंगे सूंघ कर नाक से चॉकलेट का स्वाद खाकर जीभ से पतंग के रंग देखकर आंखों आँखों से घंटी की आवाज़ सुनकर कानों से ठीक अब देखो ये हमारे नीचे एक छोटी सी कविता है इसमें से देखकर आपको ये कविता फिल करनी है ये कुछ शब्द हैं मुँह बंदर मदारी दुम ढंग कानों ये इतने शब्द हैं तो आपको ये पढ़कर लिखने देखो एक मदारी आया साथ में अपने बंदर लाया बंदर का है ढंग निराला कानों में पहने हैं बाला लाल मुंह और आंखें छोटी लंबी दुम थोड़ी सी मोटी इस तरीके से आप सभी को अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास में इसे फिल नहीं करेगा आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज घर पर फिल करना है बुक वाली और नोटबुक नंबर फोर में आपको मौखिक प्रश्न लिखित प्रश्न और नए शब्द ओनली इतना वर्क करना है और बाकी की जो एक्सरसाइज है अभ्यास है वो आपको बुक में करना है अदर वर्क कोई भी नहीं करना है और कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास में बार बार पूछेगा नहीं कि हम इस बुक में कैसे लिखें आप वीडियो आराम से देख सकते हो पहले वीडियो देखना है उसके बाद आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है ओके